ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भगवान शिव अब इन प्रचेताओं से कहते हैं, भद्रम ते, मतलब तुम सौभाग्यशाली हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि ये जो प्रचेता थे, ये राजा प्रचीन बरही के पुत्र थे, जो भगवान के महान भक्त थे। और वो कहते हैं कि हे प्रचेताओं, मुझे ज्ञात है कि तुम किस लक्ष्य को लेकर के घर से निकले हो और तुम क्या करना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तो मतलब भगवान शिव को ये ज्ञान है कि प्रचेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए निकले हैं, प्रजापति के रूप में विवाह करके प्रजा बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो भगवान की संतुष्टि करना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं। हजारों साल तक तपस्या के द्वारा, तो ये भगवान शिव को ज्ञात है। और इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। तो अर्थात क्या है कि अगर हम भगवान वासुदेव की आराधना में लगे हैं, अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं, तो बड़े बड़े देवता गण भी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनको अलग से हमें प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े बड़े देवता तो दूर, महादेव, देवताओं के देव भी, वो भी संतुष्ट हो गए हैं। और आगे वो बड़े सुंदर संस्कृत में श्लोक कहते हैं, बड़े महत्व अर्थ से भरे हुए हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। वो क्या कहते हैं भगवान शिव अब इन प्रचेताओं से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? यह परम रमहसा साक्षात त्रिगुणात जीव समग्नितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सह प्रिया ही मे। तो वो कह रहे हैं, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सह प्रिया ही मे। जो भी व्यक्ति भगवान वासुदेव की शरणागत है, प्रपन्ना का मतलब होता है सरेंडर्ड, जो उनकी शरण में जाता है। किसकी शरण में जाता है? भगवंतम वासुदेवम, भगवान वासुदेव जो उनकी शरण में जाता है। सह प्रिया ही में, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और क्या कह रहे हैं भगवान के विषय में बता रहे हैं कि ये भगवंतम वासुदेवम कौन है, जिनकी शरण में अगर जीव जाता है
तो वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो वो भगवान वासुदेव कौन है? वो कहते हैं, परम रम हसा साक्षात त्रिगुणात जीव समग्नितात। भगवान वासुदेव परम रम हसा, रम हसा का मतलब होता है नियंत्रण करने वाले, और परम रम हसा का मतलब होता है परम नियंत्रण करने वाले। क्योंकि इस संसार में नियंत्रण करने वाले तो बहुत लोग हैं, कंट्रोलर बहुत सारे हैं, सुप्रीम कंट्रोलर कोई नहीं है। परम नियंत्रण करने वाला केवल भगवान वासुदेव है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भी, हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर हम नियंत्रण करते हों, हम उनको कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं, तो मैनेजर के अंडर में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिनको वो नियंत्रण में रखता है, जिनको वो अनेकों प्रकार के कार्य प्रदान करता है, उनसे काम लेता है। लेकिन मैनेजर के ऊपर भी डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो इस संसार के अंदर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। हमारे ऊपर देवताओं का नियंत्रण है, लेकिन बड़े बड़े देवतागण भी उनके ऊपर परम नियंता है, भगवान का कंट्रोल है। तो इसलिए उनको परम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब भी होता है कंट्रोलर, जैसे रम हसा उसी प्रकार से ईश्वर। तो बहुत लोग ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर जो कंट्रोलर का भी कंट्रोलर है वो भगवान वासुदेव है। तो यहां पर बताया है किन किन चीजों को भगवान कंट्रोल करते हैं, वो भी बताया है। क्या कहा है? साक्षात त्रिगुणात, भौतिक प्रकृति जो तीन गुणों के द्वारा चलती है उसका ऊपर भी नियंत्रण भगवान वासुदेव का है, क्योंकि वो परम नियंता है। और क्या कहा है? जीव समग्नितात, जीव के नाम से जाने वाला। समग्नितात का मतलब होता है जिसे जीव नाम दिया गया है, तो हम सब लोग जीवात्मा कहलाते हैं। तो प्रकृति के ऊपर भी भगवान का कंट्रोल और हमारे ऊपर भी भगवान का कंट्रोल। हमारे ऊपर तो जब हम भौतिक संसार में हैं तो हमारे ऊपर तो प्रकृति का भी कंट्रोल होता है। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बद्ध जीव, मूर्ख जीव सोचता है मैं कंट्रोलर हूँ, असल में प्रकृति उसको कंट्रोल करती है। हम लोग सोच रहे हैं कि मैं कंट्रोल करता हूँ, पर हम कहाँ कंट्रोल करते हैं, प्रकृति हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। हम सब प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं। हम तो अगर मैं चाहूं कि भाई मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं, अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता हूं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे को अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। आप थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा खा लीजिए, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपके कुछ कंट्रोल में नहीं है। मतलब प्रकृति भी हमारे ऊपर कंट्रोल करती है जब हम बद्ध अवस्था में हैं। लेकिन जीव और प्रकृति दोनों के ऊपर किसका कंट्रोल है? वो भगवान वासुदेव का है। तो उन भगवान वासुदेव के बारे में भगवान शिव कह रहे हैं कि जो प्रपन्नहा, जो उनकी शरण में है, जो उनकी शरणागत है, सह प्रिया ही में, वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो ये भी बड़ा समझने लायक विषय है। बहुत सारे इस भौतिक संसार में असुर लोग भी होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो शिवजी की उपासना भी करते हैं, लेकिन शिवजी कह रहे हैं कि मेरी उपासना से करने, जो मेरी उपासना करते हैं उनसे भी ज़्यादा प्रिय मुझे जो भगवान भगवंतम वासुदेव प्रपन्नः, जो भगवान वासुदेव की शरण में गए हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये वो स्वयं यहाँ पर खुले जो है तरीके से बता रहे हैं ओपनली। ये तो वेदों के अंदर में भी दिया है। भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें ये बताया है कि किस प्रकार से बड़े बड़े देवतागण भी, बड़े बड़े देवतागण भी वो भी भगवान की आराधना करते हैं चुने हुए श्लोकों के द्वारा, भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। तो एक सुंदर श्लोक भागवत में आता है, उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है यम ब्रह्मा, भगवान वासुदेव की उपासना कौन कौन बड़े बड़े देवतागण करते हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवंती दिव्य स्तवैहि। स्तुवंती का मतलब होता है भगवान की महिमाओं का गान करते हैं। कैसी महिमा है भगवान की, दिव्य महिमा है। और किन चीज़ों के द्वारा, स्तवैहि मतलब उत्तम श्लोकों के द्वारा, चुने हुए श्लोकों के द्वारा भगवान के उनकी महिमाओं का गान करते हैं। कौन करते हैं, ये सभी देवतागण, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, ये सारे महान देवतागण भगवान वासुदेवा की उपासना करते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए भगवान को यहाँ पर दोनों का कंट्रोलर बताया है, प्रकृति का भी कंट्रोलर और जीवों का भी कंट्रोलर। तो उन्हें क्या कहा जाता है, पुरुषोत्तमा, सभी प्रकार के पुरुषों में जो उत्तम है। असल में देखा जाए तो जीव पुरुष नहीं है, जीव भी प्रकृति है। जीव पुरुष नहीं है, जीव भी प्रकृति है। ये भगवान भगवद गीता में क्लियरली बताते हैं। पुरुष का मतलब होता है इंजॉयर, प्रकृति का मतलब होता है इंजॉयड। तो भगवान पुरुष है और हम प्रकृति हैं। प्रीडोमिनेटर, प्रीडोमिनेटेड, भगवान नियंत्रण करने वाला है और हम भगवान के नियंत्रण में हैं। भगवान भोक्ता है और हम भगवान को जो भी हो सकता है अपनी तरफ से भोग की हम जो है व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सब चीज़ों का भोक्ता है। तो ये भगवद गीता में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं। तो एक श्लोक आता है भगवद गीता में जिसमें भगवान बताते हैं अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूतो महाभाहो ययेदम धारयते जगत। तो ये भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें सबसे पहले भगवान क्या बताते हैं, भूमिर अपो नलो वायु खम मन बुद्धिर एवच भिन्न प्रकृति में अष्टधाम। भगवान कहते हैं ये आठ जो हैं, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर माइंड मन बुद्धि अहंकार, ये पंचभूत और तीन सूक्ष्म पदार्थ, टोटल आठ हो गए। भगवान क्या कह रहे हैं, भिन्न प्रकृति में ये सब मेरी भिन्न प्रकृति है। तो जीवों के बारे में क्या कहते हैं, ये तो पंचभूत हो गए, आत्मा जो हम लोग जीव हैं इस भौतिक संसार में उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं। क्या भगवान कहते हैं जीव जो है ये पुरुष हैं, भगवान कहते हैं मेरी एक अन्य प्रकृति है, अलग प्रकार की प्रकृति है, लेकिन ये जो प्रकृति है ये थोड़ी इनसे पराम है, भौतिक प्रकृति से हम ऊंचे हैं,
ये जो भौतिक प्रकृति है उससे हम ऊंचे हैं, ये भगवान जो है भगवद गीता ही में बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए, अपरेयम, अपरेयम मतलब इससे, ये जो पंचभूत है और जो ये तीन सूक्ष्म पदार्थ है, ये जो मेरी भौतिक प्रकृति है, अपरेयम इससे ऊपर क्या है, इतम तु अन्याम प्रकृति, इससे भी मेरी ऊपर एक और प्रकृति है, अन्याम प्रकृति क्या है, विधि में पराम, ये इससे ऊपर है, पराम है, जीव भूतो महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, उन्हें जीव कहा जाता है जो इस भौतिक संसार में अनेकों प्रयास कर रहे हैं, ययेदम धार्यते जगत, इस जगत में अनेकों प्रकार के प्रयास में जो लगे हैं उन्हें जीव कहा जाता है। ये जीव क्या है, ये भी मेरी एक प्रकृति है, उच्च प्रकृति है, भौतिक प्रकृति निम्न प्रकृति, हम जीव उच्च प्रकृति, ये हमें समझना है। और पुरुष कौन है, भगवान है, और पुरुषोत्तम, सभी प्रकार के पुरुषों में उत्तम पुरुष कौन है, भगवान वासुदेव। तो इसलिए जो है यहां पर बताया है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इस भौतिक संसार में नहीं आए हैं, वो भी जीव हैं, लेकिन वो भी पुरुषोत्तम नहीं है, तो उसके बारे में भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जो भौतिक संसार में आ गया है, एक जो नहीं आया है, जो भगवान के साथ में है, भगवान की सेवा में लगा है। तो जो आ गया है उसको क्या कहते हैं, शरम, जो नहीं आया है अक्षरम। शरम का मतलब होता है जो अपने स्थान से गिर चुका है, अक्षरम का मतलब जो नहीं गिरा है। भगवान कहते हैं मैं दोनों से भी ऊपर हूं, ऐसा नहीं है कि जो मुक्त पुरुष हैं, जो भगवत धाम में हैं, भगवान उनके बराबर है, भगवान कहते हैं मैं उनसे भी ऊपर हूं। तो ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है, 15वें अध्याय में भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं वो श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं भगवान, यस्मात् शरम अतीतो हम, भगवान कहते हैं क्योंकि मैं जो जीव भौतिक संसार में गिरे हैं अतीतो हम उनसे ऊपर हूं, अक्षरम अपीच उत्तमा, और जो नहीं गिरे हैं, जो मेरे साथ में आध्यात्मिक संसार में है, उनसे भी क्योंकि मैं ऊपर हूं, अतो अस्मि लोके वेदे च, इसलिए सारे संसार में और सभी वेदों में प्रतीतः पुरुषोत्तमा, मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो और अब आगे भगवान शिव जो हैं क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।